हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टेली सफर। सो फ्रेंड्स, कलर्स टीवी का डांस रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर्स का एक और इम्पॉर्टेंट वीकेंड आया है, जिसमें टॉप सिक्स के लिए तीसरे कंटेस्टेंट के लकी स्पॉट में जाने की बारी थी। और साथ ही इस वीकेंड एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ तीन एलिमिनेशन देखने को मिले। जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बच्चों को टफ लेवल का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बैटल होने से बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रेशर कंटेस्टेंट्स में साफ झलक रहा है, क्योंकि हर किसी को टॉप सिक्स में जगह बनाने के लिए बैटल में उतरना ही होगा। तो सबसे पहले टॉप सिक्स में जाने वाले कंटेस्टेंट के बारे में बता दे, तो जो कंटेस्टेंट बैटल में उतरे वो थे टीम सोनाली से रुंजुना, टीम तुषार से यश और आराध्या, वहीं टीम प्रतीक से आए आदित्य और बैटल जीती टीम तुषार से यश और आराध्या ने। लेकिन टॉप सिक्स के तीसरे स्पॉट में जगह बनाई टीम तुषार से अंशिका धरा ने। तो एक बार रिमाइंड करा दे, तो टॉप सिक्स के फर्स्ट लकी कंटेस्टेंट है आदित्य, दूसरा स्पॉट हासिल किया ऑल स्टार क्रू ने और अब तीसरे स्पॉट पर आई अंशिका धरा। अब बचे तीन स्पॉट, उसके बाद ये टॉप सिक्स बन जाएंगे शो के फाइनलिस्ट। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल घड़ी की, यानी एविक्शन राउंड की, जिसमें जजेस ने तीन कंटेस्टेंट को किया एलिमिनेट। तो टीम प्रतीक से एविक्ट हुए अर्णव तालुकदार, गैंग सोनाली से रुंजुना दास और गैंग तुषार से यश और आराध्या की शो की जर्नी से हुआ दी एंड। इस तीन एविक्शन से सभी को काफी दुख हुआ, क्योंकि एक लंबा सफर तय करके सभी बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं। बट एविक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जिसे सभी को एक्सेप्ट करना होगा। सो एक साथ तीन एविक्शन को लेकर क्या कहेंगे आप, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।